जयपुर में लिव इन पार्टनर ने शराब पार्टी में हुए विवाद के चलते प्रेमिका की हत्या कर दी। मृतका के मुंह से झाग निकलने पर आरोपी ने मृतका द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का ड्रामा किया, लेकिन जब पुलिस ने मृतका कविता के शव का पोस्टमार्टम करवाया तब जाकर गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष निर्वाण को गिरफ्तार किया है। अपने पति को छोड़कर पिछले 4 साल से आरोपी के साथ ये महिला रह रही थी। विनय पंत मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या ये पूरा मामला? जी सुमित, देखिए गांधीनगर थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां लिव इन पार्टनर ने शराब पार्टी में विवाद के चलते जो उसकी प्रेमिका है उसकी हत्या की। सबसे बड़ी बात यह है कि मृतका के मुंह से झाग निकलने पर आरोपी ने ये ड्रामा किया कि मृतका ने जहर खा लिया, जिसके चलते उसकी आत्महत्या उसने करी है, जहर खा के आत्महत्या की है। लेकिन शक होने पर परिजन मौके पर पहुंचे थे और जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ, जिस पर पुलिस ने जो मनीष निर्वाण है जिसके साथ मृतका रह रही थी पिछले 4 साल से, उसको हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की तब उसने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के चलते गला दबाकर जो कविता है उसकी हत्या करने की बात कबूल की, जिस पर पुलिस ने आरोपी मनीष निर्वाण को गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जा रहा है कि जो मृतका है वो अपने पति को छोड़कर पिछले 4 साल से आरोपी के साथ ही रह रही थी और दोनों जो मृतका और आरोपी हैं वो साथ में ही शराब पिया करते थे। ऐसे में रुपयों की बात किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि जो आरोपी है उसने गला दबाकर कविता की हत्या कर दी। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।